स्टॉक में देखा। हमारे साथ सृष्टि है हमारी रिसर्च डेस्क से और मिथुल शाह भी हमारे साथ हैं। मिथुल जो है रिलायंस सिक्योरिटीज से ज्वाइन कर रहे हैं और टाटा मोटर्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। पहले आप बताइए सृष्टि, कैसे देखा आपने नंबर्स को? टाटा मोटर्स ने अपने JLR के तीसरी तिमाही के सेल्स अपडेट जारी किए हैं, जहां पे उनके होलसेल्स डेटा की बात करें तो वहां पे एक अच्छा जंप देखने को मिला है। चिप शॉर्टेज की दिक्कतें जिस तरीके से कम हो रही हैं, वो कहना है कंपनी का कि सेल्स इंप्रूव होती हुई नजर आई है। होलसेल्स डेटा की बात करें तो 79,591 यूनिट्स ये नंबर कंपनी ने क्लॉक इन किया है। तिमाही दर तिमाही ये करीब 6% की ग्रोथ है और साल दर साल 15% की इस नंबर में बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अगर कुछ ज्योग्राफीज पे नजर डालें तो नॉर्थ अमेरिका, यूके और अदर रीजन्स जो हैं कंपनी के, वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। हालांकि चाइना सेल्स 10% गिरती हुई जरूर दिखी है, क्योंकि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके चलते सेल्स पे इम्पैक्ट जरूर हुआ है। रिटेल सेल्स में कंपनी ने मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, मिले जुले कहेंगे, क्योंकि रिटेल जो साल दर साल है वो 6% बड़ी जरूर है, पर तिमाही दर तिमाही में 4% की गिरावट है और टाइमिंग मिसमैच के चलते कंपनी ऐसा कह रही है कि इस तरीके का आंकड़ा देखने को मिला है। ऑर्डर बुक पे नजर डालें तो एक बार फिर रिकॉर्ड नंबर है वहां पे, 2.15 लाख यूनिट्स कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक दर्ज की है। जो नए मॉडल्स हैं उनकी डिमांड अभी भी मजबूत है और आखिरी में कैश फ्लो सेगमेंट में कैश फ्लो के चलते जो है वो काफ़ी अच्छा फिगर आ रहा है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि पॉजिटिव कैश फ्लो इस बार वो दिखा सकती है तीसरी तिमाही में, जो कि पिछले क्वार्टर तक जो है एक ब्रेक इवन पे थे, तो इस बार 400 मिलियन पाउंड से भी ऊपर कैश फ्लो आने की उम्मीद है। ये है बड़ी खबर, 400 मिलियन पाउंड से ज़्यादा फ्री कैश फ्लो की गाइडेंस पहले ही उन्होंने दे दी है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। मिथुल आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक के लिए, जो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है लास्ट एक साल में। सी, कल जितने ही नंबर और प्रेस रिलीज में जो भी डिटेल्स कंपनी ने जारी की है वो वाकई वेरी प्रोमिसिंग है और बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है। जैसे कि आंकड़ों की बात करें तो 84,000 यूनिट्स का जो वॉल्यूम है, जो एक्सपेक्टेशन रही थी वो 75-80,000 के बीच की थी और कंपनी ने भी इंडिकेट किया था नियर अबाउट 75,000 वाला नंबर चिप शॉर्टेज के जरिए। हालांकि उससे वो नियरली 5-10% एक्सपेक्टेशन के एक्सीड कर गया है, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉजिटिव। कैश फ्लो 400 मिलियन प्लस, इट अगेन वेरी बिग पॉजिटिव सरप्राइज। जो समझ में ये आ रहा था कि ये कैश फ्लो शायद नहीं कर पाए, कंपनी ने इंडिकेट किया था पिछले कुछ क्वार्टर की कमेंट्रीज में कि 70-75,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करेगा। बट एट 84,000 व्हीकल लेवल पे 400 मिलियन प्लस का कैश फ्लो जनरेट करना एक साइजेबल इम्प्रूवमेंट है कंपनी का, जो ये भी दर्शित करता है कि कंपनी का मार्जिन्स काफी अच्छा रहना चाहिए और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द लोअर कमोडिटी प्राइस बेनिफिट अभी ये क्वार्टर से स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी होगी। तो इसी के जरिए कंपनी का स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव रहा है पर उसे कोई भी ट्रिगर नहीं मिल रहा था पिछले कुछ महीनों से, या कहे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से ये एक ट्रिगर है अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि डायरेक्शनली यहाँ से अभी इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुल, ये चीज़ हमें ये समझाने के लिए। आगे चलते हैं।